जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कमांडो एकेडमी पर। दोस्तों, बहुत सारे बच्चे हर रोज कमेंट करते हैं कि सर ये शब्द कब सुनने को मिलेगा, खुशखबरी खुशखबरी गुड न्यूज, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं कि कोई भर्ती देखने को नजर नहीं आ रही है, क्या करें। बहुत सारे बच्चे इसके लिए हताश भी हो गए हैं और इस हद तक हताश हो गए हैं वो आप सभी को पता, आप सभी ने मेरा कल वाला वीडियो देखा होगा। लाडलो, पहले तो मैं आपको बता दूं, कभी भी जिंदगी में इतना हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है, क्योंकि उसके घर में देर है अंधेर नहीं। जब कोई एक रास्ता बंद होता है दूसरे खुल भी जाते हैं। तो मैं आपको जो बताने वाला हूं इस वीडियो में, इन वैकेंसियों के बारे में आप याद रखिए, ये आपके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज है, ठीक है, और 100% करेक्ट न्यूज है ऑफिशियल वेबसाइट के डाटा के अनुसार, 101%। साथ ही आप सभी को इस बार ईद पर मेरी तरफ से आपको बता दूं कि ओली बोर्ड की तरफ से एग्जाम रखा गया है, ये बिल्कुल फ्री है। मैं आपको पहले ही बता दिया, जो आपके हित में होता है वही काम करता हूं मैं, बिल्कुल फ्री है ये टेस्ट आपके, बिल्कुल फ्री है। जो आरआरबी एनटीपीसी और सीबीटी 2 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये लाइव मॉक टेस्ट ऑल इंडिया में रखा गया है 1 मई को, जो कि बिल्कुल फ्री, लाखों बच्चे यहां देने वाले हैं ओलिव बोर्ड की तरफ से। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दिया है, जाके आप बिल्कुल फ्री में आपको मिलेगा, जाके देखिए। साथ में ईद स्पेशल इन्होंने ऑफर भी किया है, तो आपको अगर अच्छा लगे टेस्ट, कुछ टेस्ट भी फ्री है, तो आप अगर लेना चाहो तो वो भी ले सकते हो, लेकिन कम से कम आप टेस्ट अवश्य दीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है लाड लो। अब मैं आपको बताता हूं कि कौन सा आपका रास्ता खुल गया। तो पहले तो आपको कभी निराश नहीं होना है, खुशखबरी वही है, खुशखबरी वही है। अगर आप अपने मन को पसंद रखे, किसी चीज की सांत्वना देखे, तो खुशखबरी है। अब आप एक ही चीज के पीछे, जितने भी आर्मी वाले बच्चे हैं ये सभी जानते हैं वास्तविकता की, वो कितने दुखी हो रखे, लेकिन मुझे ये बताओ कि उससे सोचकर क्या मिल जाएगा, उससे सोचकर क्या मिल जाएगा। दुख तकलीफ बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि बहुत ज्यादा लेवल पर बढ़ती जा रही है, समय जैसे जैसे बीतता जा रहा है दुखी मन होता जा रहा है, लेकिन हमेशा जिंदगी में आगे की तरफ देखिए। अगर जो चीज पीछे छूट जाती है, जो ओवरएज बच्चे हुए हैं उनको मैं बता दूं, जीवन में आपको आगे देखना है, तकलीफें हर एक इंसान को ठोकरें आपको चलना सिखाते, याद रखिए। जिंदगी में जो इंसान ठोकर नहीं खाता वो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता, इसीलिए अगर आपको इस समय तकलीफ हो रही है, जो बच्चे ओवरएज हो रहे हैं उन सभी को मैं बता दूं, आपको निराश नहीं होना, हताश नहीं होना लाड लो। ये क्लियर आपके बता दूं, जो आपके काम के इनमें से जो एग्जाम है, देखिए रिक्रूटमेंट ऑफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर इन दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल मिनिस्टर के लिए वैकेंसी 17/5/2022, यानी अगले महीने से इसके फॉर्म भरे जाएंगे, और जो इसका एग्जाम है वो सितंबर में होगा, तो आप इसकी तैयारी कर लीजिए। एज क्राइटेरिया भी 18 से 25 साल प्लस है, जो बच्चे ओवरएज हो गए वो इसकी तैयारी कर लीजिए बेटा, ठीक है, और भी इसमें एज में छूट मिल जाएगी। इसके अलावा रिक्रूटमेंट ऑफ ड्राइवर दिल्ली पुलिस में, जो बच्चे आर्मी से ओवरएज हो रहे हैं उनको बता रहा हूं कि आपको निराश होकर गलत कदम नहीं उठाना है, ठीक है, इसके फॉर्म भरा जाएंगे 27 जून से, और ये अक्टूबर में इसका एग्जाम होगा। ये तो आपके लेवल के एग्जाम है, ठीक है, और देशभक्ति इसमें कोई शक नहीं कि हर एक इंसान का सपना होता है भारतीय सेना का जो वर्दी पहनने का, लेकिन कोई बात नहीं, कम से कम अपने मां बाप को दुखी ना करें, और देश सेवा आप पुलिस विभाग में लग के भी कर सकते हैं। देश सेवा करने के लिए जरूरी नहीं कि सरहद पर ही खड़ा हो जाए, आप अगर इस देश के समाज को सुधारते हो, इस देश की आर्थिक स्थितियों को सुधारते हो, इस देश के एजुकेशन सिस्टम को सुधारते हो, सभी प्रकार से आप देश सेवा कर सकते हो, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण है, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम, वो कोई फौज में थे क्या, लेकिन इस देश को उन्होंने वो चीज दी है जिसके लिए जीवन भर इस देश में जो भी बच्चा पैदा होगा उनका वो गुणगान नहीं भूलेगा, ऐसे बहुत सारे लोग। तो आप इस चीज से निराश नहीं हुए, लेकिन इनकी तैयारी आप कर सकते हैं, ये आपके लेवल का। इसके अलावा रिक्रूटमेंट हेड कांस्टेबल दिल्ली पुलिस का, ये 4 जुलाई से फॉर्म भरे जाएंगे, ये 100% है, इनकी डेटें आ गई है, कब एग्जाम होगा, नवंबर 22 को एग्जाम होगा। रिक्रूटमेंट ऑफ एमटीएस सिविलियन दिल्ली पुलिस, इसकी भी आप 11 अक्टूबर को इसके फॉर्म भरे जाएंगे, 23 फरवरी 2023 में इसका एग्जाम होगा। इसके अलावा रिक्रूटमेंट कांस्टेबल मेल और फीमेल दिल्ली पुलिस, इसके 9/1/2023 को इसके फॉर्म भरे जाएंगे और मई में इसका एग्जाम होगा। इसके अलावा कांस्टेबल जीडी, यानी जो एसएससी जीडी है, इसके फॉर्म भरे जाएंगे 22/2 को 2023 में और जून 2023 को इसका एग्जाम होगा। तो इन वैकेंसियों में एज का क्राइटेरिया ज्यादा है आर्मी की बजाय, और इनमें सभी में एक प्रकार की फोर्स है, बेल्ट की जॉब है, सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस, ये बहुत सारी ऐसी वैकेंसी हैं जिनको आप कंप्लीट कर सकते हैं उसी एजुकेशन स्तर के आधार पर। सब इंस्पेक्टर के लिए ग्रेजुएशन चाहिए, लेकिन बाकी सबके लिए नहीं।
बात समझ में आई? तो आप इनकी तैयारी करिए, आप हताश ना होइए, निराश ना होइए। ये वैकेंसियां आपके लिए बहुत ही बड़ी वैकेंसियां हैं, अगर आप एक साल मेहनत कर लिए इस साल, तो इनमें से किसी ना किसी में आप 100% नंबर मार दोगे, ये मेरी गारंटी है लाड। और एक चीज और बता दूं आप सभी को कि अभी इसी महीने से इन सभी वैकेंसियों के लिए हमारे पास में गारंटी बेच हमारी अकेडमी जो कि कुचामन सिटी राजस्थान में शुरू किए गए हैं। तो जो बच्चा घर पे रहकर तैयारी नहीं कर सकता वो अकेडमी आके तैयारी कर सकता है, और अगर आप अच्छे से घर पे तैयारी कर सकते हो तो घर पे भी कर सकते हो, यह आपकी अपनी इच्छा है। अगर आपको लगता है आप घर पे बैठ के इनकी तैयारी कर सकते हो, नौकरी लग सकते हो, तो ये बहुत अच्छी बात है और मुझे ऐसा लगता है आपको करना ही चाहिए ये। लेकिन आपको कहीं लगता है कि नहीं मैं अकेला नहीं पढ़ पाता हूं, तो वो बच्चा अकेडमी आ सकता। तो लाडलो आप निराश ना होइए, आत्महत्या जैसा कदम ना उठाइए, घबराइए नहीं, मुश्किलें आती रहेगी। जो मर्द होते हैं ना मुश्किलों से नहीं डरते, ठीक है, कायर की तरह जिंदा नहीं रहना और हमेशा चुनौतियों से लड़ना है। कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। लाडलो जय हिंद जय भारत।